बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर घटक दलों में किचकिच जारी है। इस बीच उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस को एक कोटा मिलना पहले ही तय हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि गठबंधन होता है तो उसमें अलायंस पार्टनर जो होते हैं अपने अपने दल से कौन मंत्री होंगे इसका निर्णय करते हैं। 7 दलों के महागठबंधन में 4 दल सरकार में है और 3 दलों का बाहर से समर्थन है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि पहले ये तय हुआ था कि जब विस्तार होगा तो कांग्रेस का एक मंत्री बनाया जाएगा और ये तो उस समय घोषणा हुई थी। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो बता दिया जाएगा, सभी घटक दल मिलकर फैसला लेंगे। पार्टियां जो है वो सरकार में है, बाकी पार्टियां सरकार में नहीं है। 4 पार्टी सरकार में है, 3 पार्टी नहीं है, है कि नहीं? तो 3 जो दल है वो उनका निर्णय है ना कि वो सरकार में शामिल हो या ना हो। नीतीश जी ने आपका नाम तो, लिया है कि आप कैसा लेंगे? ठीक है, उसमें पहले यही तय था ना, पहले यही तय था कि कांग्रेस के एक मंत्री जो है जब विस्तार होगा तब जो है बनाया जाएगा। और ये तो बकायदा उसमें घोषणा हुई ना थी। आप दोनों साथी में है, कैबिनेट विस्तार हो रहा है क्या बिहार में? कैबिनेट विस्तार जल्द हो रहा है क्या बिहार में? चर्चा है, आप दोनों को साथी में है। कैबिनेट में तो कुछ ही जगह खाली है, तो वो बात कर लेंगे लोग उसके बाद, जब भी चाहेंगे तब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत काफी खाली है, वैकेंसी कुछ खास नहीं है, किसी को हटना पड़ा है वो और एक आध और कोई वैकेंसी है तो उसको ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। सर, ऑपोजिशन यूनिटी को लेकर कल दीपांकर भट्टाचार्य ने भी कहा कि आज जितना इस बार है बना हुआ पद तो बहुत न है जी, शायद ही न कभी और इससे ज्यादा कभी रहा है। तो जब इच्छा होगी तब और कुछ हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है, कोई इशू नहीं है उसका।